सो हेलो दोस्तों, मैं रोहित बेनीवाल, स्वागत है आपके नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज ना मैं जल्दी उठ गया, क्योंकि भाई क्या है ना, बिल्कुल रूटीन बेकार हो रखा था अपना। 9:30 बजे सो के उठना था, उससे मतलब हर चीज़ मतलब डिस्टर्ब ही हो रही थी, मन खुद ही मज़ा ऐसा नहीं आ रहा था। तो भाई आज मतलब कि मंडे है, तो मैंने सोचा भाई मंडे से स्टार्ट करते हैं अपने नए रूटीन की। तो भाई आज मैं उठा था, 7:15 बजे उठ गया था। अब भाई ट्राई करेंगे धीरे धीरे इस टाइम को और कम कर देंगे, मतलब 6:30-6 बजे तक इसको लेके जाएंगे। पता है ज़्यादा जल्दी इसलिए नहीं उठ सकता क्योंकि भाई मुझे सोना लेट ही है थोड़ा सा, मतलब काम ऐसा है कि लेट हो ही जाता है, तो वो वाली बात है। और भाई आज अपना थोड़ा सा एक इमोशनल मोमेंट है, अपनी बाइक है भाई, आप ये मानो 13-14 साल पुरानी है भाई। अपाचे बाइक थी अपने पास, उससे ही मैंने बाइक चलाना भी सीखा था, बुलेट और अपाचे। मतलब अपाचे मेरी प्राइमरी बाइक थी और भाई बहुत चलाई, बहुत उसमें काम भी कराए, मॉडिफिकेशन कराई, बहुत चीज़ें कराई। जब छोटा सा था तब हम शिमला से मेरठ आए थे भाई, उस टाइम ली थी पापा ने, 2009-10 की बात है, मतलब 9 के एंड की। और भाई अब जैसे कि उसका 15 साल वाला सिस्टम हो चुका है NCR में, तो वो एक्सटेंड नहीं हो सकती थी। तो भाई अब हमने सोचा उसको अपना दे देते हैं किसी को। तो अपना एक सहारनपुर के भाई है, तो हमने भाई OLX वगैरह पे कोई करपेन सब पे डाला था, तो भाई उन्होंने अब फिर अपना मतलब इंटरेस्ट दिखाया उसके लिए। फिर भाई अब वो ही आ रहे हैं, उन्हें ही देंगे। बट एक वो है ना, मतलब कितनी भी नई बाइक्स आ जाए भाई, जैसे बुलेट खड़ी हुई है भाई, बुलेट आ गई थी जब मैं 11th क्लास में था, मतलब कि 2016 में बुलेट आ गई थी। देखो इसकी अलग फील है, जब ये आई थी तो बहुत अच्छा लगा था भाई, एक सबका शौक होता है बुलेट लेनी है, ये लेना वो लेना। बट भाई जो एक पहली बाइक होती है ना, मतलब थी वो पापा की, मतलब मैंने नहीं ली लेकिन चलाई तो मैंने थी, मेरी वैसे तो फर्स्ट बाइक थी, तो उसकी एक फीलिंग अलग होती है। तो भाई आज वो लेने आएंगे, मुझे लग रहा है 10-11 बजे तक आएंगे यहाँ पे। तो भाई आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे जो भी है, मैं आपको एक बार बाइक दिखाता हूँ अपनी कौन सी है। चलो आपको बाहर ही खड़ी हुई है, तो गाइज ये है अपनी अपाचे RTR 160। उस टाइम पे ये वाला मॉडल आया ही था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, मतलब 6 महीने में होंगे हद से हद। तो भाई इतनी चलाई, और भाई पापा मतलब अपनी हर चीज़ इतनी केयर से रखते हैं, मतलब मैं तो भाई कुछ भी नहीं हूँ इन मामलों में, जितना पापा करते हैं भाई इतनी केयर से रखा ना पापा ने आज तक इसे। भाई टाइम टू टाइम सर्विस हुई, कभी भी इसकी सर्विस पेंडिंग नहीं रही, कभी भी इंश्योरेंस वगैरह पॉल्यूशन, भाई हर चीज़ इसकी टाइमली हुई है। इंजन आज भी ऐसा कैसा ही है भाई, बहुत कंफर्ट पड़ा है। बक पे बॉडी पे देखो एजिंग का इफेक्ट तो आता ही है। और मैं भाई जब इसे ट्यूशन लेके जाता था, मैं इसका बैग हटा के जाता था, क्योंकि मुझे बैग अच्छा नहीं लगता था उस टाइम पे। तो मैं भाई अपना स्कूल ट्यूशन जहाँ भी से ले गया, मैं इस बैग को पहले हटाता था, फिर वहाँ लेके जाता था, फिर वापस आता था, इसे पापा के लिए फिट लगाता था। तो वो भी भाई एक अलग वो था, एक बार मैंने इसके यहाँ से फिल्टर वगैरह चेंज कर दिए थे, मतलब पता नहीं इसमें मैंने क्या क्या करा, इसके हॉर्न बदल दिए थे, और भाई ट्रम्पेट वाले हॉर्न लगाए थे, शीशे निकाल, और हाँ जैसे बैग निकालता था ना ऐसे ही उस टाइम पे शीशे भी जरूर निकालता था जब कहीं लेके जानी होती थी। तो भाई जाओ चलते हैं, जब अपना वो भैया आएंगे, जब अपने भाई आएंगे लेने, वो आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। अभी नाश्ता करते हैं, चलो गाइस। अभी हनी आया, वैसे सुबह सुबह ही अपनी साइड पर चल जाता है। हाँ भाई क्या हाल है? बस बढ़िया। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ मैं समझ गया, मगर आज कैसा आ गया? नहीं मतलब साइट पे चला जा रहा है, वीडियो वीडियो ना बना, ये गाने बंद कर भाई, कॉपीराइट यार, वीडियो ना बना, सिग्नल पे 12 बज रहे भाई, देख लो इसे सिग्नल पे 12 बज रहे बता रहा है। मैं वो कह रहा, तो गाइज हम लोग ऊपर वाला पोर्शन रेंट आउट करने की सोच रहे हैं, क्योंकि भाई अभी हमें ऐसी कोई नीड है नहीं, 3 ही बंदे हैं अभी यहाँ पे, मतलब 4 भी दीदी बह जाएंगे तो भाई ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। तो भाई अभी वो आने वाले हैं जो देख रहे हैं, मतलब जो देखेंगे, तो मैं उन्हें लेने जाता हूँ फटाफट। चलो गाइज तो देख के तो चले गए हैं अपना घर, पसंद भी आ गया भाई, बात अब रेंट की है, उन्हें कितना सही लगता है भाई, एक अपनी डिमांड है, पापा ने उन्हें बता दिया, मुझे तो इतना आइडिया था नहीं, अब देखते हैं भाई क्या होता है। बाकी भाई AC लिया था हमने कल, मैं और पापा गए थे, तो जो सबसे अपना टॉप फ्लोर है
उस पे एसी लगना रह रहा था, तो ऐसा करेंगे नीचे वाले को तो ऊपर लगा देंगे, नए वाले को नीचे लगा देंगे, क्योंकि नए वाला हमने 1 टन का लिया है और इन्वर्टर एसी है, ऊपर ज्यादा यूज होता नहीं, वो 1.5 टन है, तो ऊपर थोड़ा मतलब हाई कैपेसिटी वाले ठीक रहेगा। बाकी भाई अपने एसी आने लग रहा है वो रखते हैं, फिर एसी लगाने वाले आएंगे, फिर अपने बाइक लेने वाले आएंगे। यार ये दिक्कत हो रही है, मैं सोच रहा था यार बाइक जब जाएगी तो अपना वीडियो बनाऊंगा, फिर एसी वाले रहेंगे, चलो करेंगे देखेंगे उसे भी जैसे भी करेंगे। बाकी ये कुत्ता की भोग रहा था, इसे रोटी दे दो। अच्छा ई रिक्शा भोग रहा होगा, ये इस पे भोग रहा है। अरे गाइस एसी तो अपना आ चुका है, एलजी का विंडो 1 टन इन्वर्टर एसी कन्वर्टेबल, बाकी जब लगेगा वो भी आपको दिखाएंगे ही। और भाई अपना कुत्ता है, इसे बहुत दिन से रोटी नहीं दी, अभी देता हूँ। गाइस यहाँ पे एसी की इंस्टॉलेशन हो रही है, जो अपने पुराने वाला था तो निकाल के यहाँ रख दिया, ये रहना ये वाला। गाइस एसी इंस्टॉलेशन में इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना, मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया। और जो अपना बाइक लेने आए थे भाई, वो दोबारा बैठे हुए हैं पापा के पास भाई, 1:30, 1 बजे से, और भाई अब 3 बज रहे हैं, तो भाई अब मैं फटाफट जाता हूँ। मैंने उन्हें रोक रखा था कि भाई प्लीज़ मुझे वीडियो बनानी है बाइक के जाते हुए, तो भी अब तक रुके हुए थे, अब भाई फटाफट चलते हैं। चलो गाइस ये पापा फॉर्मेलिटीज़ करा रहे हैं भाई से कुछ। सो गाइस मैं आ चुका हूँ दरवाजे से बाइक देके, और भाई थोड़ा मतलब अजीब सा लग रहा था जब बाइक जा रही थी, पापा को तो ज़्यादा ही लग रहा था, क्योंकि भाई पापा नहीं चलाई है, पापा ही ज़्यादा चलाते थे, पाचे मैं तो बहुत कम चलाता था, जब से बुलेट आई थी तब से तो मतलब मैंने बहुत ही कम चलाई, कभी 2-4 बार वैसे चला ली अलग बात है। और थोड़ा पापा का मतलब मन उदास सा हो रहा था, रुको कैमरा साफ कर लूँ। और भाई वीडियो मैंने आपको वहाँ की ज़्यादा दिखाई नहीं, क्योंकि भाई मैं वीडियो बना रहा था, तो भाई बोल रहे थे जिन्होंने बाइक ली है कि भाई वो सोशल मीडिया पे नहीं है ये वो, तो वो ये नहीं चाहते कोई उनकी वीडियो डाले। मैं कहा ठीक है भाई ओके कोई दिक्कत नहीं है, नहीं डाल देंगे वीडियो, तो भाई जो बैक शॉट लिया था वो डाल दूँगा ओके। बाकी अपने एसी फिट हो गया है, एक तो ये रहा, एक अपना ऊपर लग गया भाई, इतना टाइम लगा ना, और इतनी गंदगी होगी घर में, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया आज तो। तो अपना भाई बाइक चली गई, उन्होंने बताया मैं ऐसे ऐसे, तो आओ भाई अपना बाइक चली गई। बाइक भाई कितने साल हो गए थे, 2009 एंड 2010 मान लो भाई 13 साल हो गए थे, पापा ने 13 साल से लगातार बाइक चलाई है भाई, ऑफिस वगैरह में मतलब डेली ले गए हैं, तो सोचो उनकी तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी भाई, मेरे से तो बहुत ज़्यादा थी। तो आप चलते हैं भाई, खाना वाना खाते हैं फिर चलेंगे जिम। और भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई, मेरा हाल ना पूछे सुबह बता दी। अच्छा हाँ भाई, तू तो सुबह मिल गया था। एप्स करते हैं, चलो क्या मारेगा आज? एप्स पेट निकट गया भाई, बाहर दिखाइए एक बार ऊपर करके। नहीं यार तो वीडियो में डाल देना। राम राम जी, क्या करना चाहते हो? नेपाल की, नेपाल की देवते पास है। चलो चल रहा मैं तो घर। क्या करेगा घर जाकर? मैं करता क्या, ब्लॉग व्लॉग बनाऊंगा और क्या, घर उप जाएगा लौटेगा कुछ नहीं रखा भाई, लाल परी हो गए।